हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरीके का अगर हमें नोजल फिटअप करना हो, फिटअप करने के बाद अगर हमें इसे चेक करना है कि भाई ये करिए नोजल समझे कि हमें ये 40 डिग्री में अगर मैं फिटअप किया हूँ तो ये बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये ड्राइंग जो है मैं सिर्फ समझने के लिए इस तरीके से बनाया हूँ। हो सकता है कि इस ड्राइंग में कुछ मिस्टेक हो, लेकिन फॉर्मूला में कोई मिस्टेक नहीं है। इसी तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये सब पाइप का ओडी सीएफ वगैरह सब जानना जरूरी है। पुराने हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, ये सब फॉर्मूला आप जानते भी होंगे, इसी तरीके से फिटअप किया जाता है। लेकिन मैं फिर भी ये बना रहा हूँ ताकि और भी नए लोग हैं उनको सीखने के लिए। मैं आपको दूसरा एक ड्रॉइंग दिखाता हूँ। देखिए, अगर ये समझिए कि ये हमारा ये पाइप है और ये हमारा ये नोजल है। तो इस ड्रॉइंग में मैं बताया कि हमारा जो पाइप है 30 इंच का है, ठीक है, नोजल 4 इंच का है। तो अगर हमें इस तरीके से अगर इसको फिटअप करना हो तो हम कैसे फिटअप करेंगे इसको, और फिटअप करने के बाद इसको चेक कैसे करेंगे। अगर समझिए, अगर ये 40 डिग्री में 45 डिग्री में होता तो बहुत आसान था कि आप स्पीड लेवल में भी 45 डिग्री जो लेवल आता है उससे भी आप रख के चेक कर सकते थे। या फिर इस तरीके का राइट एंगल में यहाँ से समझिए कि 225 लेंथ यहाँ से मैं ले लिया हूँ। इधर से भी सेम अगर आप लेंथ ले लेते हैं 225, तो यहाँ से एक या स्केल या लाइन डोरी से आप रख देंगे तो 45 का एंगल बन जाएगा। तो आप इसी तरह का आसानी से टेप से यहाँ से नाप लेंगे कितना है, उसी तरीके से यहाँ से भी टेप से नाप लेंगे कितना है। दोनों तरफ सेम इक्वल लेंथ आ रहा है, सेम लेंथ है, तो समझिए 45 में बराबर है। तो इसी तरीके से अगर ये समझिए मैं 40 डिग्री में अगर हमें फिटअप करना हो तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला आप लोग के लिए लेके आया है ताकि काम करने में आसानी होगा। इस तरीके का अगर कोई नोजल फिटअप करना होता है किसी जगह में तो हम आसानी से फिटअप कर सकते हैं, इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ड्राइंग में मैं ऑलरेडी लिख भी दिया हूँ, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 30 इंच का जो हमारा सीएफ हो जाएगा, होल के बारे में बताऊंगा ये यहाँ पे होल कैसे मारेंगे। तो ये पाइप जो हमारा समझिए 30 इंच का है, तो इसमें हम क्या करेंगे 30 इंच का जो सीएफ होगा वो ले लेंगे। इसका 30 इंच का ओडी जो होता है 762 mm हो जाएगा। तो वीडियो के एंड में मैं इसको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। और मैं पहले ये बता देता हूँ यहाँ पे मैं क्या राइट किया हूँ। 30 इंच का सीएफ देखिए 2 m 393 हो गया। उसके बाद 360 ले लेना है हमको, 360 हमारा ये फुल डिग्री डिग्री हो गया, पूरा सर्कल का ये फुल डिग्री 360 होता है। तो ये जो सीएफ है उसमें से हम डिवाइड कर देंगे 360 से, तो हमारा जो ये जो आंसर जो आया हुआ है 6.364, ये 1 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा ये नोजल कितने डिग्री में, 40 डिग्री में हम लोग को यहाँ पे होल कटिंग करके फिटअप करना है। तो 40 जो ये आया हुआ है हमका हमारा जो आंसर, उसमें 40 से इंटू मार देंगे, यहाँ पे इंटू मारेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर जो आएगा फिर ये सेंटर से हम तो यहाँ से हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ से ये सेंटर से हम इसका ये 265.9 लेंथ यहाँ पे मार्किंग मारेंगे। इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे समझिए ये सेंटर से 265 जो हमारा लेंथ है वो ले लेंगे। उस तरीके से यहाँ पे 4 इंच का होल कटिंग करके हम नोजल को फिटअप कर सकते हैं। फिटअप करने के बाद हम चेक कैसे करेंगे कि भाई ये कौन सा साइड में ज़्यादा झुका हुआ है, इधर झुका है या वो साइड में, लेफ्ट साइड के ज़्यादा झुक गया है या राइट साइड की तरफ है। अगर इस साइड में अगर है समझिए, अगर फ्रंट और बैक इस तरफ है तो हम यहाँ से की स्पीड लेवल भी रखेंगे तो हमको आसानी से मालूम पड़ जाएगा। दोनों तरफ सेम लेंथ नाप लेंगे, दोनों तरफ सेम लेंथ है तो समझिए इक्वल है, तो उधर मालूम पड़ जाएंगे। इस तरीके का अगर इस साइड और ये साइड के बारे में हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के रखा हूँ, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपके हिसाब से जो भी आपके अकॉर्डिंग राइट एंगल आपका कितना बड़ा है,
ये समझिए, एक राइट एंगल ऊपर रखना है ये नोजल के ऊपर। उसके बाद एक राइट एंगल यहाँ भी वर्टिकल में इस तरीके से सीधा खड़ा करना है, स्पिरिट लेवल लगा कर, मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। या किसी अगर प्लांट में है तो पार्लर वगैरह भी कोई दूसरा बीम या पाइप से देख के आप खड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग राइट एंगल के अनुसार कि आपका राइट एंगल में कितना कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपको एक लेंथ चॉइस कर लेना है। आपके हिसाब से आप 200 ले सकते हो, 400 ले सकते हो, 300 ले सकते हो, जो भी हो। मैंने 225 यहाँ पे लेंथ ले लिया है, ठीक है। तो 225 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 225 ले लेंगे, उसके बाद डिवाइड प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में, उसके बाद 10 प्रेस करेंगे, सिंपल वाला 10 प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर जो है हमारा जितने एंगल में है उतने एंगल का यहाँ पे हम डिग्री प्रेस करेंगे, 40 डिग्री। उसके बाद जो आंसर जो आ जाएगा हमारा, ये इधर का लेंथ आ जाएगा, ये इंड से, ये राइट एंगल का इंड से यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा, 268.1। फिर उसके बाद में मैं यहाँ से एक स्केल लगा लेगा या राइट लाइन डोरी लगा लेगा, और ये जो एंगल बन जाएगा हमारा 40 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उसी तरीके से हम इसको दोनों तरफ यहाँ से भी टेप से चेक कर लेंगे, यहाँ से भी टेप से चेक कर लेंगे, दोनों तरफ सेम है, तो फिर आसानी से हम इसको फिटअप करके देख सकते हैं, और किसी को भी इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई ये जो हमारा है वो 40 डिग्री में करेक्ट है। तो दोस्तों चलिए इसको हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों इस तरीके का साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेंगे। इसमें हमें डिग्री निकालने के लिए जो मैंने आपने ड्राइंग में देखा, तो सबसे पहला होल के बारे में बताऊंगा। समझिए कि हमारा वो ड्राइंग में जो था हमारा 30 इंच का, जो हमारा जो हेडर जो था वो 30 इंच का है, और जिसमें नोजल है 4 इंच का लगा हुआ है। तो उसी तरीके से 30 इंच का पहले हम उसका ओडी निकालेंगे, कितना हो जाएगा ओडी। तो 30 इंच का ओडी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 प्रेस करेंगे, उसके बाद into 25.4 बराबर, देखिए 762 इसका ओडी आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका सीएफ मुझे निकालना है। तो सीएफ निकालने के लिए ही इसका फॉर्मूला है, into 3.141। ये सी एफ निकालने का ये फॉर्मूला है, 3.141। उसके बाद फिर हम बराबर प्रेस करेंगे, ये सी एफ आ गया हमारा। उसके बाद फिर हम क्या प्रेस करेंगे, हमारा जो फुल डिग्री होता है 360 होता है, तो सी एफ को डिवाइड कर देना है 360 से। तो यहाँ पर मैं डिवाइड प्रेस करता हूँ, अभी 360 प्रेस करूँगा, बराबर प्रेस करूँगा, देखिए ये 1 डिग्री का वैल्यू आ गया, जो आपने ड्राइंग में देखा था 1 डिग्री का, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 6.64। तो फिर इसको हम इंटू कर देंगे 40 से, 40, 40 से इंटू कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया 265, ठीक है। इसी तरीके से हमें एंगल बनाना है, तो एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोगों ने ड्राइंग में देखा 255 मैंने लिया था, 255 प्रेस किया, उसके बाद डिवाइड प्रेस करना है, उसके बाद 10 प्रेस करना है, सिंपल 10 प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद में 40 प्रेस कर देना है, उसके बाद बराबर प्रेस करेंगे, देखिए 268.144। ड्राइंग में भी सेम हमारा इतना लेंथ आया था। इसी तरीके से हम किसी भी एंगल, कोई भी एंगल में अगर हमें कोई नोजल फिटअप करना हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। आप कोई भी एक लेंथ ले लीजिए सेट, कोई भी आप एक लेंथ ले लीजिए, उसके बाद आपको जितना डिग्री में बनाना है उतना डिग्री प्रेस कीजिए, उसके बाद रन लेंथ आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर ये ड्राइंग को आपको डाउनलोड करना है तो हमारे वेबसाइट पे ये ड्राइंग है, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने देखा ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
और हमें हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज करना चाहिए, उसके बारे में ही हमें सीखना चाहिए। देखिए, इसको मोबाइल में बनाना तो बहुत आसान है, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें इस एंगल को बनाना, इस तरह एंगल निकालना, डिग्री निकालना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट पे, रिफाइनरी जो होता है, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी होते हैं, उसके अंदर मोबाइल लेके जाना वर्कर को अलाउड नहीं रहता है, ये सेफ्टी वायलेशन होता है। इसीलिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में ही इसे कैलकुलेट करना चाहिए। ये सब फॉर्मूला बिना सॉफ्टवेयर का, बिना मोबाइल का आप अपने कंप्यूटर में, साइंटिफिक कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम यूज करके सीखेंगे साइंटिफिक कंप्यूटर को, मोबाइल यूज नहीं करेंगे। विदाउट एनी सॉफ्टवेयर का आप कोई भी लेंथ में, आपको जो अच्छा लगे लेंथ ले लीजिए और रन लेंथ आपको इस तरीके कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।